इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हुमन एकता फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यम सिंह जी, जिनसे हम खास बातचीत करते हैं। आज इन्होंने कुछ नए पदाधिकारियों को कुछ सर्टिफिकेट दिया है, उनको नई नई पोस्ट दी है। वो क्या कहते हैं, वो किस तरह अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, वो क्या सोच के उन्होंने इनको पोस्ट दी है, वो इनसे जानते हैं। सत्यम जी, आज जो आपने सर्टिफिकेट बांटे हैं सबको, एक नई पोस्ट दी है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो जिनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर्टिफिकेट देने का मतलब ये नहीं है कि केवल हमने सर्टिफिकेट दे दिया दिखाने के लिए। हम इस पर काफ़ी समय से इस पर अध्ययन किया, हमने हमारी पूरी टीम ने अध्ययन किया। जो लोग एक्चुअल में एक्टिव हैं, केवल हम उन्हीं लोगों को पोस्ट दिए। जैसे सोशल मीडिया, तो जो सोशल मीडिया देख रहे हैं उनका हमने काम देखा, हमें काम अच्छा लगा। हमारी कोर कमेटी से बात हुई, उन लोगों को भी अच्छा लगा, तो उनको सोशल मीडिया IT सेल दिया गया। साजिब खान है, साजिब ने कई जगह लोगों को इकट्ठा करके कई चीज़ों पे, कई मुद्दों पे आवाज़ उठाई। तो ऐसे ही जैसे सुनील जी हैं, बिहार स्टेट के प्रेसिडेंट बनाया गया, तो वहाँ पे जो एक्चुअलिटी है, वहाँ की जो बेस है, उसके बारे में वही समझ सकता है जो वहाँ पे रहता हो और वहाँ के चीज़ों को ऑब्जर्व करता हो। तो इस आधार पर हमने उन लोगों को पोस्ट दिया कि ये लोग काम को अच्छे से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। सर, 3 से 4 महीने का समय हो गया है हुमन एकता फाउंडेशन को मार्केट में आए हुए, अभी तक कितने आपने ऐसे सामाजिक काम कर दिए हैं लोगों की भलाई के लिए? जैसा कि अभी पीछे अमरजीत जी, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया, एक दिन हमारे पास कॉल आता है कि महिला उत्पीड़न हो रहा था नजफगढ़ में, तो रात को 1 बजे इमीडिएट कॉल आया और हम सारी टीम, पूरी टीम जाकर वहाँ पर उस उत्पीड़न के खिलाफ़ हम लोगों ने आवाज़ उठाई, उनके ऊपर केस किया और फाइनली अब वो सेफ है। इसके साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है, रात को 2 बजे मेरे पास कॉल आता है मेरठ से, किसी को गोली लगी हुई थी, तो उसमें वो बंदा एकदम मतलब मरने की स्थिति में था, लेकिन हमने इमीडिएट कॉल किया। और वहाँ से मैं आनंद हॉस्पिटल को भी काफ़ी बधाई देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने इमीडिएट एक्शन लिया और आज वो इंसान सुरक्षित है। ऐसे तमाम चीज़ें हैं, एडमिशन पीछे चल रहे थे, कई बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे थे, वो लोग डर रहे थे, हमने उनसे बात की, उनके परिवार वालों से बात की, एडमिशन में उनकी सहायता करी। साथ ही साथ हमने एक अभी प्रोग्राम चलाया था जो साउल गेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, हमने उस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट किया था, जिसमें बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या गाली गलौज करते हैं, मिसबिहेव करते हैं पेरेंट्स से, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने एक प्रोग्राम चलाया हुआ था जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। हमने उसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों को बुलाकर और उसको काउंसलिंग करवाया हम लोगों ने, और वहाँ से रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव है। अभी पीछे हमारी बात हो रही थी डॉक्टर नीलेश तिवारी जी से, उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम को हम और भी आगे ले जाएंगे और इसी फाउंडेशन के साथ में, साउल गेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ दोनों मिलकर ये फाउंडेशन इस काम को आगे बढ़ा रही है। जी सर, गवर्नमेंट द्वारा अभी एक मुहिम चल रही है नो से प्लास्टिक को लेकर, प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन किया जाए, तो क्या हुमन एकता फाउंडेशन ने इसके ऊपर भी कोई कदम उठाया है? प्लास्टिक के ऊपर जो सरकार ने मुहिम चलाया है काफ़ी अच्छा सराहनीय कदम है, लेकिन इसको, इस चीज़ को मतलब काफ़ी पॉजिटिव वे में इसको लागू करना चाहिए और इस पर हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए, साथ ही साथ वैकल्पिक चीज़ों पर आगे ध्यान रखा जाए। सर, एक संस्था का काम होता है कई तरीके से समाज में जागरूकता लेके आना, लोगों को जागरूक करना, चाहे मैं बात करूँ बीमारी को लेके, अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि डेंगू मलेरिया जैसे कई बीमारियाँ सामने आती हैं, वहीं प्रदूषण को लेके बात करूँगा मैं, चूँकि आज हमारी देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1 बनती जा रही है, तो इसको देखते हुए कोई जागरूक अभियान आपकी तरफ से? प्रदूषण को लेकर हमारा तो शुरू से यही मोटिव रहा है, हमारा यही उद्देश्य रहा है कि प्रदूषण के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर, हमने बताया भी था पीछे कि हर महीने के हर संडे को हम कुछ पौधे लगाएंगे, जो कि कंटिन्यूसली चल रही है, तथा सरकार से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि इस पर कुछ वैकल्पिक ध्यान को रखते हुए इसमें कुछ सुधार किया जाए जिससे पॉल्यूशन कम हो। अभी कुछ दिन पहले ऐसा न्यूज आया हुआ है, न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि प्रदूषण के खिलाफ ऑड इवन लागू होगा, लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको
बंद करना चाहिए इस समय। दिल्ली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी मुहिम चलाती है, जो भी स्कीम लेके आती है, वो केवल वहाँ तक नहीं, इसके लिए लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए। जी ज़रूर, यदि सरकार कोई चीज़ लेकर आती है, कोई मुहिम चलाती है, तो लोगों के माइंड मन में ऐसा होता है कि ये सरकार चला रही है तो सरकार, लेकिन ये सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है, ये हम सबका उत्तरदायित्व है कि यदि कोई मुहिम लेकर आती है और सब यदि जनजीवन के लिए, आम जनता के लिए वो अच्छा है, तो उसके खिलाफ उसके उस सरकार के साथ मिलकर सबको उसका सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, तो जाते जाते आज जितने भी नए मेंबर ऑफ जुड़े हैं, जिनको नई नई जिम्मेदारी मिली है, उन सबके लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो जिनको भी जिम्मेदारी मिली हुई है, देश सर्वप्रथम सबसे पहले तो देश की सेवा, समाज की सेवा, उसके बाद बाकी उनके फ्यूचर के लिए तो सब लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ समाज के लिए काम करने के लिए वो लोग मैं बहुत ज़्यादा नहीं, पीछे भी बताया था, 1 घंटा भी यदि डेली समय निकाल कर देते हैं तो बाकी उस समय से हम धीरे धीरे करके काफ़ी एक अच्छा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन कर सकते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ सत्यम सिंह, जो ह्यूमन एकता फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनसे हमने खास बातचीत की, जिनका खास तौर पर कहना है कि ह्यूमन एकता फाउंडेशन का जन्म लोगों की भलाई के लिए हुआ है, लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है, और उसी कदम को हम आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज जितने भी नए मेंबर ह्यूमन एकता फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं, सब अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और ह्यूमन एकता फाउंडेशन के साथ उन लोगों को जोड़ेंगे। कैमरा पर्सन इरफान के साथ जितेश।